एसवी इलेक्ट्रिकल एंड टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे टू वे स्विच की वायरिंग करना कैसे करते हैं, ये हम सब जानेंगे। आप इस स्विच को देख रहे हैं, ये टू वे स्विच है और इसमें तीन पिन होती हैं। आप ये 6 एम्पीयर स्विच है, 15 एम्पीयर भी आता है और इस तरीके से हम इसको कहाँ प्रयोग करते हैं, जीने की वायरिंग यानी सीढ़ियों की वायरिंग में प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ एक मोटर को दो जगह चलाना होता है, मान लीजिए कमरे किराएदार के कमरे से चलाना है, एक मकान मालिक कमरे से चलाना है, या फिर एक आंगन में एक बल्ब लगा हुआ है, हम 3 कमरों से उसको जलाना चाहते हैं, 2 कमरों से जलाना चाहते हैं। इस प्रकार की वायरिंग करने के लिए आप इस स्विच का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्विच है टू वे स्विच। चलिए इसको हम तार 4 तरीके से कनेक्शन करना आपको बताते हैं, जिसमें से आपको कोई भी तरीका समझ में आ रहा हो तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों शुरू करते हैं। पहला तरीका आपका ये है, चीप एंड बेस्ट यानी सबसे बढ़िया तरीका यही है। और कैसे करते हैं ये हम जानते हैं। 2 तार को हम ले लेते हैं, एक ये आपस में यहाँ से यहाँ तक जोड़ देंगे और ये आप देख रहे हैं टू वे स्विच, ये स्विच का बना हुआ है जिसमें 3 कनेक्शन है। ये 3 कनेक्शन करने को होता है, टू वे स्विच बनाया है हमने ड्राइंग पे। आप क्या करेंगे, इस न्यूट्रल को उठाएंगे, कहाँ ले जाएंगे, अब बल्ब को हमको जलाने के लिए 2 तार चाहिए तो बल्ब में 2 तार निकले, 1 तार उठा के ले आए और यहाँ न्यूट्रल में जोड़ दिए। न्यूट्रल फेस है जो आपके खंभे से लाइन आती है यानी बोर्ड में लाइन जो होती है न्यूट्रल फेस, यानी ये न्यूट्रल है, ये फेस है। और अब क्या करेंगे कि दूसरे तार को, फेस के दूसरे तार को इस बीच वाली पिन में जोड़ देंगे। अब इसका एक तार बचता है, एक पिन ये खाली बचती है और इसको लाएंगे और यहाँ जोड़ देंगे। पहला तरीका आपका ये तैयार हो जाता है। अब कुछ लोगों का कंफ्यूजन होता है कि हम अगर ये तार क्रॉस में हो जाए तो कोई फर्क पड़ेगा, तो उसी चीज को समझाने के लिए मैंने नीचे कर दिया है। अब इन्हीं दोनों तारों को यहाँ से यहाँ जोड़ देते हैं और कुछ यहाँ से यहाँ जोड़ देते हैं और उसके बाद वही तरीका यानी ये बल्ब ले जा करके यहाँ जोड़ देंगे और इस फेस को उठा करके यहाँ जोड़ देंगे, बीच पिन में जोड़ रहे हैं। अब इस फेस यानी बल्ब के एक फेस को उठा करके यहाँ जोड़ देंगे, यानी इस प्रकार से ये दूसरा तरीका हो जाता है। यानी काम वही है, कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस क्रॉस को, अगर ये हमारे तार जब पाइप के अंदर डालते हैं अगर वहाँ नहीं पहचान सकते हैं तो हम अगर ये कल के डाले हैं तो वहाँ डाल करके यानी क्रॉस में अगर जुड़ जाते हैं तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टू वे जैसे है वैसे ही काम करेगा। हमारा समझाने का मतलब यही था, यानी 2 प्रकार ये हो गए। और तीसरे प्रकार से वायरिंग करते हैं। तीसरी वायरिंग इस प्रकार से होती है दोस्तों, ये वायरिंग यानी कि हम प्रयोग करते हैं लेकिन इसमें जो है हमें विशेष ध्यान देना होता है। वो क्या कि घर के अंदर जहाँ पे हम टू वे स्विच का प्रयोग कर रहे हों वहाँ सिंगल फेस ही यानी दोनों बोर्ड में सिंगल फेस होने चाहिए। कहीं 3 फेस लाइन घर में आ रही हो, एक फेस यहाँ दे दिए नज़दीक जो बोर्ड पाए वहाँ दे दिए दूसरे में वहाँ से पाए तो क्या होगा, गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है दोस्तों। इसमें क्या है, आप ये न्यूट्रल को हम यहाँ से उठाए और इस वाले पिन पे जोड़ दिए, यहाँ जोड़ दिए और फेस को, ये फेस है हमारा, इस पिन से फिर इस पिन में जोड़ दिए, इस तरीके से जोड़ देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, अब बचते हैं हमारे बल्ब के 2 तार यानी बल्ब न्यूट्रल फेस जोड़ना है। वो कैसे जोड़ेंगे, हम न्यूट्रल को उठाए और यहाँ से ले आए यहाँ जोड़ दिए, फेस को उठाए और यहाँ से लाए यहाँ जोड़ दिए, मतलब चाहे ये न्यूट्रल यहाँ हो जाए या यहाँ हो जाए बल्ब के दोनों तारों को यानी 2 पिनें हमारी खाली बढ़ती हैं किसी में जोड़ देंगे, हमारा बल्ब काम करने लगेगा। दोस्तों अब आ जाते हैं 4थे तरीके की तरफ। 4था तरीका क्या है ये आप ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये इस वायरिंग में सबसे बेस्ट वायरिंग यही होती है, कहीं पर भी आप कर सकते हैं और 3 फेस लाइन आ रही है। इसमें यही एक चीज़ ध्यान देना है दोस्तों, काम वही करेगा, ध्यान यही देना है कि इस बोर्ड में जो फेस हो वो इसी बोर्ड में फेस हो, ये चीज़। अब यहाँ पे क्या है, हम उसी को कन्फ्यूजन दूर करने के लिए वायरिंग बदल रहे हैं। अब क्या है कि दोस्तों यहाँ पे अगर हम फेस दे देते हैं, इस वाली पिन पे फेस दे देते हैं, इस वाले पिन पे फेस दे देते हैं,
यानी कहने मतलब तरीका वही है, और ये तार हम ये कहीं से नजदीक पा रहे हैं जिस बोर्ड से, उस बोर्ड में जोड़ देते हैं। दोस्तों आप ये न्यूट्रल दे दिए, ये न्यूट्रल दे दिए, चाहे नीचे दे दें या ऊपर दे दें, हो गया। यानी न्यूट्रल फेस आपको उसको मिल गया टू वे स्विच को। अब इसके फेस को क्या करेंगे, यानी बल्ब के दोनों तारों को एक तार ला के यहाँ जोड़ देंगे, एक तार यहाँ ला कर जोड़ देंगे। इस तरीके से वायरिंग आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें ध्यान यही देना है कि ये बोर्ड कहीं और होगा, ये बोर्ड दूसरे कमरे में हो, तीसरे कमरे में हो, कहीं दूर हो या नीचे या ऊपर हो, कहीं पर भी हो। अब ये सोच लो कि जो ये इस बोर्ड में फेस आया है वही फेस इस बोर्ड में आना चाहिए। ये नहीं कि घर में थ्री फेस लाइन हो तो एक फेस यहाँ आ गया, एक फेस ऊपर वाले सेकेंड मंजिल से ले लिया, ऐसा नहीं होना है। ऐसा होना हो जाएगा तो ये गलत हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों सही तरीका यही है कि जो फेस यहाँ पे है वही फेस वहाँ है, टेस्ट कर लेना है। टेस्टिंग आगे हम फेस की बताएंगे कि हम कैसे पता करें कि दो फेस है या सिंगल फेस है, ये सब हम आगे बताएंगे। दोस्तों वीडियो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, इस तरीके के वीडियो अगर आप आना चाहते हैं हमारे थ्रू तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और कमेंट करके बताएं आपको किस तरीके की वीडियो चाहिए, वो वीडियो हम आपको उपलब्ध